हाय गाइस, वेलकम टू तयाल एकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सिक्स सेमेस्टर में हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट्स आप लेने वाले हैं इस सेमेस्टर में, यानी लास्ट सेमेस्टर में, उन्हें आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, पहले आप लॉग इन कीजिए, एसओएल अकाउंट में लॉग इन कीजिए और डैशबोर्ड में आपको वो ऑप्शन मिलेगा, तो पहले आप लॉग इन करें। सो लॉगिन करने के बाद गाइस, आपको ये मैसेज मिलेगा, इसमें एसओएल इंफॉर्मेशन, इसमें लिखा है पेपर सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर सिक्स सीबीसीएस। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता लग रहा यहाँ पे कौन सा पेपर उन्हें सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पर पेपर की कैटेगरी नहीं लिखी हुई है। तो गाइस, ये बहुत सिंपल है, आप बस ऑप्शंस को पढ़िए। देखिए, पेपर वन को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, इसमें जो ऑप्शंस हैं ये हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस में है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, और लास्ट ऑप्शन है एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन। तो अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी हैं जिसमें हमने सिलेबस के बारे में बात की है, ये देखिए, ये जो बीए प्रोग्राम का सिक्स सेमेस्टर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि ये जो आपके स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, इसमें आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं ये आपको पेपर वन में वहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, इकोनॉमिक्स, बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, और एक एजुकेशन जो उसमें ऑप्शन थी, मीडिया इन एजुकेशन, और वो सब ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो गाइस, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो सा मर्जी चाहे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स चुन सकते हैं, लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि रैंडमली आप सब्जेक्ट चूज ना कीजिए, ठीक है। आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पता है, ठीक है, आपने क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये पेपर समझ में आ रहा है और आप इसका एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि इस स्टेज पर आकर अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करते हैं, कोई ऐसा पेपर आप सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, ना आपने सिलेबस देखा है, ना आपने क्लासेस अटेंड की हैं, तो गाइस आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस बार बताया जा रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारियां हो रही हैं, सॉरी, ठीक है, तो यू रियली हैव टू मेक श्योर कि आपको सिलेबस के बारे में पता है, बुक्स के बारे में पता है, ठीक है, और आपने क्लासेस अटेंड की हैं, जो जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं, आपको ये सारा आइडिया पहले होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये फॉर्म अभी ना फिल करें, ठीक है। जो क्लासेस अगर आपकी मिस हुई हैं उन्हें आप दोबारा अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दिए जाएंगे कुछ देर बाद, ठीक है। तो वंस अगेन, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिन्हें अभी सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो फॉर्म फिल अभी मत करें, ठीक है। आप अगर कोई लास्ट डेट का नोटिस आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा अपडेट कि ये इस तारीख तक आपको ये नोटिस, ये जो फॉर्म है ये फिल करना है। लेकिन अभी रैंडमली एब्रप्टली आप कोई सब्जेक्ट चूज ना करें, ऐसा ना हो कि आपको बाद में दिक्कत हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं। जो पेपर टू है, इसमें जो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल संस्कृत, पॉलिटिकल थॉट इन संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस में है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, और लास्ट ऑप्शन इसमें है इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें इंग्लिश भी है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो गाइस, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वापस उस पर आते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, जनरल कलेक्टिव में जो ऑप्शंस हैं सिक्स सेमेस्टर में, हम बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं बाय द वे। तो गाइस, इकोनॉमिक्स जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल हो सकती है। कैसे? कि अगर इकोनॉमिक्स आपके पास एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, तो ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और सेकेंडली, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो जनरल कलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपके डिसिप्लिन पेपर से अलग होना चाहिए। ये जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग टीचर और स्टूडेंट संवाद सेशन जो कंडक्ट करते हैं हर ट्यूसडे को, उस सेशन में भी बोला गया है, आई थिंक दो लेक्चरर्स ने कम से कम ये बात बोली थी,
फिफ्थ सेमेस्टर के बिगिनिंग में जब स्टूडेंट्स ने क्वेरी डाली थी कि हमारा जनरिक इलेक्टिव जो है वो डिसिप्लिन पेपर से सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए, तो लेक्चरर्स ने वहाँ पर बोला था कि आपका जनरिक इलेक्टिव डिसिप्लिन पेपर से अलग होना चाहिए। UGC की गाइडलाइंस में भी लिखा है योर जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर डिसिप्लिन पेपर्स। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी को भी कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप लोग उसे क्लैरिफाई करें, जो टीचर स्टूडेंट संवाद सेशन है आप उसमें ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या जो SOL का जो चैट क्वेरी ऑप्शन है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप कोई भी सिलेक्शन एब्रप्टली मत करें, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करें, ठीक है, सोच के समझ के सब चीज़ें आप सेलेक्ट करें, और आपको जो सा पेपर आप सेलेक्ट कर रही हैं उसके बारे में आपको एटलीस्ट 25% अभी तक आपको पता होना चाहिए। क्यों? अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो फर्स्ट क्लास में हमेशा सिलेबस का ओवरव्यू बताया जाता है, बुक्स के बारे में बताया जाता है, यूनिट्स जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, ठीक है, समरी दी जाती है कि इस यूनिट में हम ये पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में हम ये पढ़ने वाले हैं, तो सिलेबस का ओवरव्यू बताया जाता है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद फिर जब फर्स्ट यूनिट डिस्कस की जाती है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जिन्होंने रेगुलरली क्लासेस अटेंड की हैं उन्हें पता होगा कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर आपको अभी कोई आइडिया नहीं है तो अभी प्लीज़ ये फॉर्म फिल ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद गाइस आते हैं पेपर 3 और पेपर 4 पर। पेपर 3 में गाइस आप वो ऑप्शन देखेंगे जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपने इनिशियली चूज़ किए थे और थ्रू आउट द डिग्री जो वो ऑप्शन सेम रहे हैं, यानी जो आपके दो डिसिप्लिन पेपर्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक वो ऑप्शन सेम रहते हैं, तो पेपर 3 और पेपर 4 में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगी, बस आपको उसे सेलेक्ट करना है। उसको करने के बाद अब अंडरटेकिंग पढ़िए। इसमें लिखा है द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी एज अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स और कंसील्ड बाय मी एट एनी स्टेज आई मे बी डिसक्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन टेकन बाय मी मे बी कैंसल्ड विदाउट एनी नोटिस टू मी। However, in this regard, I abide by the decision of the University of Delhi. उसके बाद आप ये चेकबॉक्स को क्लिक करें, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप ब्लैंक फॉर्म को ही सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। So guys, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये मैसेज आएगा successfully updated, और प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज आपको ये डिटेल दिखाएगा, देखिए पेपर सेलेक्टेड फॉर सेमेस्टर 6th एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पे आपको वो चीज़ें भी दिखाएगा जैसे स्टूडेंट्स नेम यानी आपका नाम, SOL रोल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर, उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, देखिए कोर्स दिखा रहा है, सेमेस्टर, पेपर कोड, पेपर टाइप, ठीक है, और सब्जेक्ट कोड। ये देखिए गाइज, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पेपर 1 जो है वो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि पेपर 1 में स्किल इन्हांसमेंट में इन स्टूडेंट ने कौन सा पेपर चूज़ किया है। सिमिलरली जो पेपर 2 है वो जनरिक इलेक्टिव है, ठीक है, और पेपर 3 और पेपर 4 जो इनिशियली हमने डिस्कस किया था वो है आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। आप चाहें तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बल्कि उसमें प्रिंट का ऑप्शन है, तो प्रिंट एज अ PDF भी इसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। गाइज मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि उसको आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, जब भी डिटेल्स अपडेट होती हैं वेबसाइट पर, हो सकता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट कैरी करना हो जब आप सारी मटेरियल लेने के लिए जाते हैं। एज सच कोई जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको उस समय काम आएगा जब आप बुक्स लेने जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ हाउ दे विल कम टू नो कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं एंड विच बुक्स यू नीड टू बी गिवन। ऑलराइट गाइज, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है dayalacademy.com अब चेंज हो गई है, इट हैज़ माइग्रेटेड टू dayalacademy.in, ठीक है, अब से जो भी अपडेट्स होंगे dayalacademy.in पर आएंगे। इसमें आप जो रीसेंट ब्लॉग्स हैं आप वो देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ब्लॉग काफ़ी यूजफुल रहेगा, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय Tinua Achebe,
सो बेसिकली इसमें समरी गिवन है, जो नॉवल है ठीक है उसकी इंट्रोडक्शन है, ऑथर के बारे में बताया गया है ठीक है, एंड कैरेक्टर्स की जो लिस्ट है, बस आपको लास्ट में जो लिंक होता है कंटिन्यू रीडिंग उसे आप क्लिक करते जाइए और नेक्स्ट जो भी इसमें पोस्ट अपलोड किया गया है आप वो देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पर प्लॉट समरी शुरू होती है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अदर सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वे भी अपलोड कर दिए जाएंगे ठीक है। ऑलराइट गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।